राम मंदिर को धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत। कहा राम राजनीति का विषय नहीं। अयोध्या में भगवान राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को भी निमंत्रण दिया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे समस्त सनातनियों की अब तक की सबसे बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि ये उत्सव दीपावली से बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति से धर्म नहीं बल्कि धर्म से राजनीति चलती है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं। भारत के लोग जगे हुए हैं, वोट अपनी मत के अनुसार दें, राष्ट्रहित में दें। भारत विश्व गुरु कैसे बना, भारत विश्व गुरु कैसे बने, भारत का विकास कैसे हो, अपने अनुसार वोट दें। राम राजनीति का विषय नहीं, राम की स्वयं की नीति है, मर्यादा, एकता, संप्रभुता और राम जी स्वयं की नीति है। विश्व में शांति है, जो राजनीति की बात कर रहे हैं वो मूर्खता है। दीपावली से भी बड़ा उत्सव। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ये आज तक की समस्त सनातनियों की, सभी हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत है। ये उत्सव दीपावली से बहुत ज्यादा खास है। निश्चित ही कोई ऐसा अभागा होगा जिसको इस दिन का इंतजार न हो। हमको तो है, राम भक्तों को भी है, केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि भारतीय मूल के जितने भी अन्य देशों में रहने वाले लोग हैं उनको भी है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हमारा यही कहना है कि उस दिन दीपावली मनाएं, और उत्सव का उत्साह तो पूछिए ही मत। प्रेम अत्यधिक होता है तो वाणी कम बोलती है, आंखें ज्यादा बोलती हैं। ठुमका लगाने को जी चाहता है, अयोध्या जी जाने को जी चाहता है। मथुरा और ज्ञानवापी को लेकर कही ये बात। ज्ञानवापी और मथुरा में ईदगाह मस्जिद को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ज्ञानवापी में शंकर हैं, कृष्ण जन्मभूमि कन्हैया की है, इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। न्यायालय है इस देश में, न्याय प्रणाली है, और वर्तमान में ASI के सर्वे में ये सिद्ध हो रहा है कि वहाँ पर सनातनियों का ही प्रभुत्व रहा है, सनातनियों का ही मंदिर है, किसी अन्य मजहबियों का नहीं। इस देश में मोहम्मद, गौरी, अकबर, बाबर, इन्होंने आक्रमण करके हमारे देश के मंदिरों पर जो कुठार घात किया उसके घाव भरे जा रहे हैं। भगवान की कृपा से देश में स्वर्णिम काल है।